VIT EEE 2023 की एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक है एंड यहाँ पे जो है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे आपके एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये चीज है कि देखिए, आप जेई के टाइम पे एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेक्शन पर इतना ध्यान नहीं देते हो, तो शायद आपको इन क्वेश्चन का आइडिया ना हो, तो यहाँ पे आपकी जो है अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है। बाकी अगर आप जो है इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं, किन टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं एंड साथ ही साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं जिसके थ्रू आपकी स्पीड इंप्रूव हो, तो यहाँ पे हमारा जो है VIT EEE का 2023 बूस्टर पैकेज भी आपके लिए अवेलेबल है। एंड स्पेशली जो है आज के लिए इसको एक स्पेशल प्राइस पे रखा गया है 849, तो डिस्काउंट कूपन कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो। कम टाइम बचा है इसलिए आप इस कोर्स का पूरे तरीके से यहाँ पे यूज उठा सकते हो। कोर्स ड्यूरेशन सिर्फ 10 घंटे में जो है आप इन वीडियोस को निपटा पाओगे और जितने मॉक टेस्ट हो सके उतने आप लगा सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं बता दूं इस वीडियो से रिलेटेड। देखिए, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा उस वीडियो को जो है आपको पॉज करना है एंड खुद से ट्राई करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक बार आपको आंसर आ जाए तो फिर वीडियो को प्ले करिए और अपने सॉल्यूशन को चेक करिए। सॉल्यूशन बताते टाइम मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताऊंगा, तो उसको स्किप मत करिएगा क्योंकि आपके टेस्ट के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। और जब आपका जो है पूरा वीडियो खत्म हो जाए तो फाइनल स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, देखते हैं कि किन किन का स्कोर जो है यहाँ पे फुल आता है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, यहाँ पे पूछा है फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज 726 63 126। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना ये आपके सीरीज टाइप का क्वेश्चन है और सीरीज में मेजरली दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो फाइंड द मिसिंग टर्म या तो फाइंड द रॉन्ग टर्म। तो ये हो गया आपके रॉन्ग टर्म वाला टाइप का क्वेश्चन। रॉन्ग टर्म में बेसिकली सीरीज कहीं पे ब्रेक हो रही होगी तो वो चीज हमें जो है आइडेंटिफाई करनी है कहां पे सीरीज ब्रेक हो रही है। एक कॉमन पैटर्न बाकी नंबर फॉलो कर रहे होंगे, बस एक थोड़ा सा अलग दिखाएगा। तो 7 26 63 126, एक बार अगर नंबर को ध्यान से देखो तो सभी जो है क्यूब्स के पास में है, ये 8 के पास में है, ये 27 के पास में है, ये 64 के पास में और ये 125 के पास में। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 7 को हम क्या लिख सकते हैं 2³ - 1, ठीक है ना। 26 को आप क्या लिख सकते हो, 26 को आप लिख सकते हो 5³ - 1। 63 को आप क्या लिख सकते हो, 63 को आप लिख सकते हो 4³ - 1। 126 को आप क्या लिखोगे, 126 को आप लिखोगे 5³ + 1। ये सब माइनस क्यूब माइनस वन होके आ रहे थे, यही सिर्फ जो है क्यूब प्लस वन आया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 126। इस तरीके से जो है आपको रॉन्ग टर्म को आइडेंटिफाई करना था। अब जो है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इफ कैट इज कोडेड एज BZS देन हाउ फ्रेंड इज कोडेड, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बेसिकली एक रिलेशनशिप हमें फॉर्म करनी रहेगी कैट और BZS के बीच में। तो देखिए किस तरीके से जो है ये चीज हो रही है फॉर्म। C से अगर हम एक लेटर पीछे आए तो हमें B मिल जाएगा, A से एक लेटर पीछे आए तो हमें Z मिल जाएगा, C से एक लेटर जो है आप पीछे आओगे तो आपको S मिल जाएगा। काफी इजी है ये क्वेश्चन। देखो, अब फ्रेंड की अगर हम बात करें तो फ्रेंड में भी जो है हमें एक एक लेटर यहाँ पे पीछे होना पड़ेगा। सबसे पहले अगर F से एक लेटर पीछे हुए तो आपका क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। जैसे ही E देखा सीधा आंसर टिक करो ऑप्शन A, फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप एक एक लेटर जो है पीछे जाते हुए सबका निकाल रहे हो। एक ही ऑप्शन है जिसमें पहला लेटर E दिया है, तो फिर अपना टाइम वेस्ट आपको क्यों करना, सिंपली जो है ऑप्शन A को टिक कर सकते हो। तो ये होती है टाइम सेविंग ट्रिक्स, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन सेंस की चीज है और आपको एग्जाम पेपर के टाइम पे ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। अ सेल्समैन स्टार्टेड वॉकिंग 3 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज ऑफिस देन ही टर्न्ड राइट। तो सबसे पहले जैसे से जो आपके डीए डायरेक्शन उसको ड्रॉ करते जाओ। अब देखो यहाँ पे अपन को ये चीज नहीं बोली कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप तो ये एक सेंटर पॉइंट मानो और सीधा सीधा मूव करना स्टार्ट करो। बाद में देखेंगे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत अपन जो है ना मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने जो सॉल्यूशन है। तो अ सेल्समैन स्टार्टेड वॉकिंग 3 किलोमीटर स्ट्रेट, सबसे पहले 3 किलोमीटर स्ट्रेट चला दिया, देन ही टर्न राइट। तो ये उसका लेफ्ट है, ये उसका राइट है, राइट में उसने 2 किलोमीटर मूव कर लिया, फिर अगेन ही टर्न राइट। तो अब ये लेफ्ट है, ये राइट है, फिर 2 किलोमीटर जो है वो मूव करा टू रीच हिज कस्टमर्स प्लेस। तो ये उसका फाइनल डेस्टिनेशन हो गया। इफ हिज कस्टमर्स प्लेस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज कंपनी। अब देखो अगर अपन जो है सिंपली नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट के जो डायरेक्शन की बात करें तो यही वाला जो डायरेक्शन है ये अपना क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अपन ने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था ना कि ईस्ट डायरेक्शन में वो चलता हुआ जा रहा है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि फाइनल जो है अपन को क्या मिल रहा है कि कस्टमर की प्लेस साउथ ईस्ट के अंदर ही है। तो जो सेल्समैन है वो किस डायरेक्शन में जो है स्टार्ट वॉकिंग कर रहा था, यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा। अब लेकिन थोड़ा सा जो है मैं आपके लिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दूं, इसको अपन बोलते थे साउथ ईस्ट की जगह नॉर्थ ईस्ट,
अगर मैं बोल देता नॉर्थ ईस्ट तो फिर क्या होता, फिर जो है ना आप भलाई अप्रोच यही रखते। अब लेकिन लास्ट टाइम पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, इन्होंने साउथ ईस्ट बोला है लेकिन फाइनल जो है नॉर्थ ईस्ट में हुआ, तो जो है अपना पूरा अपन डायग्राम ड्रॉ किया है ना, इसको सीधा सीधा बस इस डायरेक्शन में थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, तो उससे ये जो फाइनल है ना ये नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा और अपन को पता चल जाएगा कि इनिशियली वो कैसे चला था। तो ये देखो मैं आपके लिए जो है थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये आपका जो है पहले 3 किलोमीटर चला, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको शिफ्ट कर देते। हाँ तो ये जो है ये सबसे पहले आपका 3 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पे जो है आपका 2 किलोमीटर चला होगा, ये फिर जो है आपका 2 किलोमीटर, और ये फाइनल डेस्टिनेशन। तो यहां से यहां पे अगर आप देखो तो ये किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ना। तो अपन क्या कहते हैं कि सेल्समैन ने किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था वॉकिंग करना, नॉर्थ डायरेक्शन। तो इस हिसाब से अपन जो है अपने ही सॉल्यूशन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, है ना। तो कुछ गड़बड़ थोड़ी हुई यहाँ पे, तो ऐसा थोड़ा सा अवेयर रहना पेपर के टाइम पे, डरना मत कि अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जो है ना घुमा फिरा अपन सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मतलब जो अपना नॉर्मल केस के हिसाब से। बाकी अगर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लिखा रहता तो आप समझ गए ना कैसा रहेगा डायरेक्शन। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो ये है जो है आपका क्वेश्चन डेटा सफिशियंसी वाला, द वेरिएबल सी इज एन इंटीजर इज सी इवन। फिर स्टेटमेंट्स आपको देके रखी है, C+6 जो है वो आपका इवन है और C-5 जो है वो आपका ऑड है। और पहली जो आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे दी थी कि वेरिएबल सी जो है वो इंटीजर है और पूछा गया है कि क्या सी इवन है, तो इन जो स्टेटमेंट्स है इनके बेसिस पे अपन को बताना है कि क्या वो इवन है या फिर नहीं। तो C+6 उन्होंने बोला है कि इवन है। अब यार एक चीज जो है सोच के देखो, ये जो है ये आपका इवन नंबर है, 6 तो 100% इवन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो एक इवन नंबर ही ऐड करना पड़ेगा दूसरे इवन नंबर पे ताकि अपन को फाइनल नंबर इवन मिले। अगर सी अपना ऑड होता तो ऑड प्लस इवन तो हमें क्या दे देता है, ऑड दे देता है। सोच के देखो ना, 1+4 क्या देगा, 5 देगा, ऑड देगा। तो दो इवन नंबर को ही ऐड होना पड़ेगा ताकि हमें इवन नंबर मिले। तो यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि सी इवन है। तो इससे तो सीधे सीधे दिख रहा है कि स्टेटमेंट ए जो है वो अलोन है सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो गलती से भी ऑप्शन ए टिक करके आगे मत बढ़ जाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी स्टेटमेंट बी तो बाकी है, स्टेटमेंट बी को भी तो चेक करो। तो यहाँ पे देखे रखा है C-5 इज ऑड, ठीक है। अब देखो 5 तो ऑड है, इसमें कोई डाउट है नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो सी जो है ना उसको यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, सी को इवन ही होना पड़ेगा क्योंकि इवन माइनस ऑड ही हमें ऑड दे सकता है। कुछ नंबर दिमाग में अज्यूम कर लो, 4-1 ही हमें 3 दे सकता है। अगर मैं 4-2 की बात करूं तो वो हमें इवन दे देगा, ठीक है ना। तो एक इवन होना पड़ेगा, एक ऑड होना पड़ेगा। इससे भी हमें क्या मिल रहा है कि सी जो है अपना इवन ही है। तो क्लियरली जो है आपको दिख रहा है कि आइदर ए और बी इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि अगर सिर्फ अपन को ए स्टेटमेंट दी होती तो भी अपन बोल देते इवन है, और सिर्फ बी दी होती तो भी अपन इवन बोल देते। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टेटमेंट चेक करी और आंसर टिक करके आगे बढ़ गए, ये गलती स्टूडेंट्स जनरली पेपर में करते थे। तो यहाँ पे अपन ने जो ये क्वेश्चन डिस्कस किए, अब अपना जो फाइनल स्कोर है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ। और अगर ये सेशन पसंद आया है तो जरूर से जो है इसको लाइक करना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतनी फ्रीक्वेंसी से आपके लिए और वीडियो जो है हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन ने एप्टीट्यूड के देखे, अगले सेशन में हम ट्राई करेंगे कि इंग्लिश के लिए आपके लिए क्वेश्चन आए। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।